हेलो बच्चों, जेआरएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर में जब कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज आ जाता है। और कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखता है और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। और ये जो एनर्जी है और चार्ज स्टोरेज है, इसको हम जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ यूज़ करते हैं। तो स्पेशली हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर समझ में आ जाए तो। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एक कैपेसिटर अगर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया है और इसके एक प्लेट पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे माइनस Q है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये कैपेसिटर चार्ज्ड है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज्ड होगा। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है। अब अगर ये कैपेसिटेंस C है और Q चार्ज है इस कैपेसिटर पे, तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस, तो इट इज़ V इज इक्वल टू Q बाई C के बराबर होता है। तो V इज इक्वल टू Q बाई C, जहाँ Q चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर है और C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट A है या टर्मिनल A है, इट इज एट हाई पोटेंशियल एंड B इज एट लो पोटेंशियल। ऐसा क्यों? तो इसका भी रीजन है और उस रीजन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ पे Q चार्ज है, प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज फील्ड लाइंस होंगी, वो फील्ड लाइंस प्लस से माइनस के तरफ होगी। किधर से किधर? प्लस से माइनस के तरफ। तो प्लस से माइनस के तरफ फील्ड होगा, और अगर फील्ड प्लस से माइनस के तरफ है एंड फील्ड लाइन का कंसेप्ट ये होता है कि फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ है, तो बोलो कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ का कम? तो पॉजिटिव प्लेट का ज़्यादा और निगेटिव प्लेट का कम। इसलिए वी ए टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो ए का ज़्यादा पोटेंशियल और बी का कम पोटेंशियल। मुझे लगता है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ कम पोटेंशियल ये समझ में आया होगा। इसी एक्सप्लेनेशन में, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी स्पेस में किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड कितना है, इस कैपेसिटर के केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग U से लिखते हैं, एंड U इज इक्वल टू, इट इज हाफ इंटू आइदर Q स्क्वायर बाई C लिखते हैं, या इसको हाफ CV स्क्वायर भी लिखते हैं। ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे में ट्रांसफरेबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q की जगह अगर हम CV लिख देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर होगा, ये तो हम लोग डिस्कस किए। अब आगे, चूंकि
अब कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर्ड होगा, बैटरी का भी अगर हम देखें थोड़ा सा बैटरी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि आखिर बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है। तो अगर हम एक बैटरी कंसीडर करें तो बैटरी का ईएमएफ ई है और बैटरी के भी दो टर्मिनल्स, एक ए और एक बी। मुझे लगता है कि ये तो क्लियर होगा सबको कि कौन सा टर्मिनल बैटरी का हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन लो पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसको बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल पे होगा और बी लो पोटेंशियल पे होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्लेट जो बैटरी का होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटा प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। तो यहाँ पे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है और जो वी ए माइनस वी बी है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई होगा, प्लस ई होगा। और अगर उल्टा लिखना चाहे वी बी माइनस वी ए तो इसी में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई आ जाएगा। तो खैर कौन ज़्यादा पोटेंशियल पे कौन कम पोटेंशियल पे ये क्लियर है। अब बैटरी को जब कभी भी हम किसी सर्किट में यूज करते हैं तो बैटरी क्या करता है, उस सर्किट में चार्ज सप्लाई करता है, या हम यूं बोलें कि बैटरी वर्क करता है। तो बैटरी दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है कि बैटरी चार्ज सप्लाई करे और दूसरा तरीका ये भी होता है कि बैटरी में चार्ज अंदर जाए। मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो बैटरी कब चार्ज होगा कब डिस्चार्ज होगा, तो अगर हम बैटरी को कंसीडर करें, दो डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज द सेकेंड डायग्राम। इस फर्स्ट डायग्राम में ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां भी ईएमएफ, सेम बैटरी हम लोगों ने कंसीडर किया है। दो सिचुएशंस हो सकता है किसी भी सर्किट में। कैसे? अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करे, पॉजिटिव टर्मिनल क्या सप्लाई करे, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज अंदर जाए, यही दो सिचुएशंस हो सकते हैं। अब ये भी है कि बैटरी कभी भी नेट चार्ज ना तो प्रोड्यूस करता है और ना ही कंज्यूम करता है। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला तो यहाँ से जरूर पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, या यहाँ से हम ये भी मान सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा। तो खैर उतना अभी क्लैरिटी में नहीं जाते हैं, अभी ये सिंपल हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या है। जब बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज डिस्चार्जिंग। और जब यही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, इट इज चार्जिंग। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, ये चार्जिंग ऑफ बैटरी है। डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी पॉजिटिव वर्क करता है सर्किट में, और चार्जिंग कंडीशन में बैटरी नेगेटिव वर्क करता है। क्या मतलब है इसका? जब बैटरी से हम लोग बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज सप्लाई करता है या करंट सप्लाई करता है, और जब बाहर करंट सप्लाई करता है बैटरी तो उसमें बैटरी पॉजिटिव वर्क करता है, सर्किट में वो एनर्जी भेजता है। जबकि बैटरी चार्ज किया जाता है मतलब हम बाहर से एनर्जी बैटरी में स्टोर करते हैं जिसको कि बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये कंसेप्ट है। इसको और तरीकों से समझा जा सकता है, मान लो प्रॉब्लम में कहीं डिफरेंट तरीके से अगर शोन है तो उसको कैसे समझेंगे। यहाँ अगर पॉजिटिव प्लेट बैटरी का पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है तो ये डिस्चार्जिंग है। अगर यही उल्टा हम लोग सोचे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है तो भी वो डिस्चार्जिंग का ही केस है। वैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैटरी में अंदर जा रहा है पॉजिटिव प्लेट से, और यही अगर उल्टा सोचें कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से बाहर जाए तो वो भी हम बोलेंगे कि चार्जिंग ही है। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो वर्क डन बाय द बैटरी है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, और ये पॉजिटिव ई है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से बच्चे समझते हैं कि ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी चार्जिंग कंडीशन में इट इज माइनस ऑफ क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई।
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? पॉजिटिव वर्क का मतलब है बैटरी वर्क कर रहा है, और नेगेटिव वर्क का मतलब बैटरी पर वर्क हो रहा है। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, बैटरी इज डूइंग वर्क एंड सेकेंड वर्क इज बीइंग डन ऑन द बैटरी। तो जब बैटरी इज डूइंग वर्क मीन्स बैटरी एनर्जी बाहर सप्लाई कर रहा है, एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द बैटरी तो बैटरी में एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है और बैटरी में एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट समझ जाने के बाद अब हम लोग सिंपल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को आगे डेवलप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जांपल्स के बिना हम फिजिक्स में क्वेश्चंस सॉल्विंग टेक्निक डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ थ्योरी, जितना थ्योरी मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स को आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ये है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। यहां एक स्विच लगा लेते हैं ताकि पहले ही से चार्ज ना हो, और ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है जिसका कैपेसिटेंस सी है। ये एक स्विच हम लोगों ने मान लिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जस्ट क्वेश्चन को और अच्छे बेटर तरीके से समझने के लिए हमने ये स्विच कंसीडर किया है। मान लेते हैं ये स्विच को हमने क्लोज किया, तो स्विच क्लोज किया तो बैटरी एक्टिव हो जाएगा और इस कैपेसिटर के अक्रॉस अपना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से बोलो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी कैसा चार्ज फ्लो कराएगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराएगा। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज फ्लो कराएगा और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ कैपेसिटर में स्टोर होगा। तो ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, और फिर बाहर से ये यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा बचा हुआ है वो फिर से इस बैटरी में अंदर चला जाता है। अब ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? तो ये चार्जिंग है, कैपेसिटर का चार्जिंग है, लेकिन बैटरी का क्या है बेटा? डिस्चार्जिंग है। बैटरी बोलो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बोलो कैसा चार्ज सप्लाई हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था, अब चार्ज आ जा रहा है स्विच क्लोज करने के बाद। तो इस टेक्निक में, इस प्रोसेस में अगर हम सोचें कि कैपेसिटर में पहले एनर्जी स्टोर्ड कितना था, तो यू इनिशियल का वैल्यू जीरो था। अब चार्ज हो जाने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितना है? इट इज हाफ सी ई स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ के बराबर ही यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा बैटरी के अक्रॉस। तो ये इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में बढ़ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में बढ़ गया तो यहाँ पे हम लोग यू इनिशियल जीरो, यू फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर, और साथ ही साथ बैटरी का भी वर्क डन अगर हम कंसीडर करें तो बैटरी चार्जिंग स्टेट में है कि डिस्चार्जिंग स्टेट में? डिस्चार्जिंग स्टेट में है। तो बैटरी कैसा वर्क करेगा? निगेटिव करेगा ना? नहीं, निगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव करेगा, और कितना? क्यू इंटू ई के बराबर करेगा। अच्छा, यहाँ क्यू जो चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई हम लोग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने ई अप्लाई किया था। अब वर्क डन बाय द बैटरी इतना है, तो क्यू का वैल्यू अगर रख दें तो सी इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय ई, सो दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ सी ई स्क्वायर। अब वर्क डन बाय द बैटरी ये हमें इतना मिल गया। अगर हम इस क्वेश्चन को एज ए ले मैन समझे तो यहां यह समझ में आता है कि बैटरी ने क्या किया। तो बैटरी ने भाई इतना एनर्जी सप्लाई किया सर्किट में, तो बैटरी ने सप्लाई तो किया सीई स्क्वायर, लेकिन इस कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ? ओनली हाफ सीई स्क्वायर। तो बचा हुआ एनर्जी कहां गया? तो बचा हुआ एनर्जी कहां गया सोचना है, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो कहां जाएगा वो बचा हुआ एनर्जी? तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के दौरान ये जो वायर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंसेस होंगे जहां हीट डेवलप होगा और वो हीट में डिसिपेट होगा। तो यहां पे हीट डेवलप्ड, हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू जो भी एनर्जी सप्लाई किया गया बैटरी से या वर्क डन बाय द बैटरी है, माइनस जो एनर्जी स्टोर हो गया, दैट इज डेल्टा यू।
तो डेल्टा यू हम लोग लिखते हैं इट इज डब्ल्यू बी माइनस इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये कैसे हम लोग एज ए ले मैन कैसे समझ पाएंगे कि भाई मान लो कि एक आदमी है, उसको हमने कुछ एनर्जी दिया लेकिन उस एनर्जी का वो खाली 50% यूज कर पा रहा है, तो जो 50% कहाँ जा रहा है, 50% तो दिख रहा है कि उसने यूज किया, तो बचा हुआ 50% उसने अपने पास रख लिया। तो वैसे ही ये कैपेसिटर इस बैटरी के वर्क डन का 50% अपने पास रख रहा है या हाफ सी ई स्क्वायर अपने पास रख रहा है और बचा हुआ एनर्जी डिसिपेट हो जा रहा है। तो वर्क डन बाय द बैटरी सी ई स्क्वायर माइनस हाफ सी ई स्क्वायर माइनस जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ सी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने जो भी कंसेप्ट डेवलप किया था वो सारा कंसेप्ट ऑलमोस्ट यूज करने की कोशिश की। तो ये एक तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन था। इसमें अब हम ये कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर ऑलरेडी कुछ चार्ज हो और तब हम बैटरी को कनेक्ट करें, तो बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मान लेते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल में एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है, मान लेते हैं इस पे 10 माइक्रो कूलम्स का चार्ज है। डाटा ले लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल डाटा वाला क्वेश्चन। एंड एक बैटरी है और ये बैटरी ऐसे कनेक्ट करने जा रहे हैं, स्विच अभी क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है, और इस बैटरी का और इसका कैपेसिटेंस जो है मान लेते हैं इट इज 4 माइक्रो फैरड है, और 2 माइक्रो फैरड ले लेते हैं, थोड़ा डाटा आसान ले लेते हैं। एंड ये 8 वोल्ट्स का बैटरी है। अभी जो है ये कैपेसिटर चार्ज है, ये हमने इधर चार्ज नहीं शो किया, यहाँ पे शो कर दिया है, ये इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर है बिफोर स्विच SW इज क्लोज्ड। तो यहाँ स्विच जब तक क्लोज नहीं होगा बैटरी अपना कमाल नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि बैटरी को क्या करना है, कुछ चार्ज सप्लाई करना है, तो उतने ही समय में उतना ही चार्ज लेना है, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज ना तो कंज्यूम करेगा और ना ही डेवलप करेगा। तो अब जब स्विच क्लोज करेंगे तो अब बैटरी क्या करेगा, कुछ चार्ज भेजेगा। तो मान लेते हैं फाइनल चार्ज यहाँ पे क्यू आ गया, ये फाइनल चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, पहले कितना था 10, अब कितना है क्यू, तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा भाई, तो इट इज क्यू हो गया, पहले 10 था तो क्यू माइनस 10, और ये सब माइक्रो कूलम्स में ही चार्ज को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जब ये चार्ज जाएगा इस कैपेसिटर में, तो बैटरी वर्क किया और कुछ चार्ज और एक्स्ट्रा स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी स्टोर होगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि क्यू का वैल्यू क्या है। तो बोलो यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट्स। तो 8 वोल्ट्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड by C, C कितना है 2, तो Q का वैल्यू इज 16 माइक्रो कूलम्स। तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 16 माइक्रो कूलम्स है। अब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर 16 माइक्रो कूलम्स है, तो ये Q माइनस 10 का वैल्यू इट इज 6 माइक्रो कूलम्स हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि आखिर बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया और इस पे नेट चार्ज फाइनली कितना है। तो हम पहले इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर लिख लेते हैं, तो हाफ इंटू इनिशियल चार्ज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, सो दैट इज इक्वल टू 100 बाय 4, इट इज 25 माइक्रो जूल्स। देन आफ्टर फाइनल चार्ज अगर हम लिखें तो यू फाइनल, अब चार्ज इस पे आ गया है इट इज 16 माइक्रो कूलम्स, तो इट इज हाफ इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 256 बाय 4, सो हाउ मच इट इज, इट इज 256 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 64 माइक्रो जूल्स। एंड वर्क डन बाय द बैटरी एट द सेम टाइम, तो बैटरी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, एंड ये पॉजिटिव वर्क है कितना, तो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई किया, 6
multiplied by 8. So it is equal to 48 microjoules. अब ये डाटा है और हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड. तो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड अगर कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, तो वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने इतना एनर्जी सप्लाई किया, कितना एनर्जी स्टोर हो गया, तो इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जिसको डेल्टा यू हम लोग लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी इज 48 माइनस यू फाइनल का वैल्यू इज 64 एंड माइनस इनिशियली 25 था. इसको सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस यहां पे इट इज 39, तो दैट इज इक्वल टू आई थिंक 9 माइक्रो जूल्स आ जाएगा. कैलकुलेशन ये 39 ठीक है, 9 माइक्रो जूल्स ऑफ हीट विल बी डिसिपेटेड. एक चीज हमेशा याद रखना है कि कभी भी हीट डिसिपेट जो सर्किट में होगा वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नेगेटिव आता है तो समझ जाना है कि आपने कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक किया है, कंसेप्चुअली बहुत बड़ा मिस्टेक आपने किया हुआ है. हीट डिसिपेटेड जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. इसी क्वेश्चन को मेरा सजेशन है आप लोग ये करिएगा कि मैंने लिया है यहाँ प्लस 10 माइनस 10 और ये 8 वोल्ट का बैटरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लीजिएगा, बस पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को उलट दीजिएगा और स्विच क्लोज करके फिर सेम क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. तो इससे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा. तो ये तो एक टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए एनर्जी स्टोर्ड से रिलेटेड. दूसरा है कि एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है, दूसरा कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड है, और इन दोनों कैपेसिटर्स के टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें. तो आफ्टर कनेक्टिंग द टर्मिनल्स ऑफ द टू कैपेसिटर्स कितना हीट डिसिपेटेड होगा, तो हीट डिसिपेटेड नेगेटिव होगा क्या? कभी नेगेटिव नहीं होगा. कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा. अगर होगा तो पॉजिटिव ही होगा. दूसरा ये भी कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज्ड है, दूसरा भी चार्ज्ड है, और दोनों को कनेक्ट किए, तो दोनों को कनेक्ट किए, दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किए, तो क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो कितना हीट जनरेट होगा इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इस टेक्निक को भी हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल से ही डिस्कस करते हैं. अब जैसे मैंने बताया कि एक ये कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरड का है, और ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चार्ज्ड है, और इस पे 8 माइक्रोकूलम्स का पॉजिटिव चार्ज और -8 माइक्रोकूलम्स का नेगेटिव चार्ज इस तरह से है. एक दूसरा कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड है, और ये 4 माइक्रोफैरड का ही है, और ये 4 माइक्रोफैरड का है एंड इट इज अनचार्ज्ड, तो यहां 0 चार्ज है, यहां 0 चार्ज है. अब इन दोनों के टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. बेटर होता है कि एक स्विच से हम लोग इसको पहले आइसोलेट कर दें ताकि कोई भी चेंजेस अभी ना आए, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी. अब ये स्विच को क्लोज कर दें. जब स्विच क्लोज करेंगे तो ये कैपेसिटर तो चार्ज्ड है, तो बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, तो 8/2 4 वोल्ट्स का. ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 0 है. अब एक पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, एक पे 0 का, तो होगा क्या? ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है और चार्ज्ड स्टोर्ड है वो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इस सर्किट में, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के दौरान इस सर्किट में हीट जनरेट होगा. उसी हीट का कैलकुलेशन और बाकी और भी कैलकुलेशन मेथड्स को हम लोग सीखेंगे. तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सर्किट है स्विच क्लोज करने के पहले कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये कैलकुलेट कर लेंगे.
तो ये कैलकुलेट करेंगे तो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो एक ही पे एनर्जी होगा, तो इट इज हाफ 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज इक्वल टू 16 माइक्रो जूल्स। सिमिलरली अगर, और साथ ही में इस पे तो जीरो था तो जीरो मैंने लिखा नहीं है। अब इसको कनेक्ट किए तो कनेक्ट किए तो ये चार्ज 8 माइक्रो कूलम्स है, तो ये और ये प्लेट, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। क्या मतलब है इसका? आइसोलेटेड प्लेट का मतलब इसको अगर पकड़ के खींचे तो हमें लगेगा ये दोनों प्लेट बाहर आ जाएगा, इसका देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इनका खाली आपस में कनेक्शन है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर थिंग्स। अगर ऐसा है तो इसका चार्ज और इसका चार्ज टोटल जोड़ के जितना था पहले उतना ही हमेशा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर से इसमें कोई भी सप्लाई ऑफ चार्ज नहीं है। तो अगर इसमें 8 माइक्रो कूलम्स है और मान लेते हैं कि अब यहाँ क्यू आ जाता है स्विच क्लोज करने के बाद, तो यहाँ जरूर माइनस क्यू आएगा, टोटल दोनों पे जोड़ के 8 था तो यहाँ जरूर 8 माइनस क्यू होगा पॉजिटिव, और उतना ही यहाँ 8 माइनस क्यू नेगेटिव हो जाएगा, और ये सब माइक्रो कूलम्स में हम लोग डाटा लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ दोनों कैपेसिटर्स को देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ए, और ए से ए तक इस सर्किट में घूम जाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि क्यू हम कैलकुलेट कर पाएं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू है, ये किसी भी तरह के सर्किट में अप्लाई किया जा सकता है कैपेसिटर रिलेटेड। तो यहाँ ए से चले तो वी ए, चल रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोलो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हैं, बोलो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट जाएंगे पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे है, निगेटिव लो पे, घटेगा। कितना घटेगा भाई? तो क्यू बाई सी से, तो क्यू कितना है, तो Q हमने माना है, C कितना है 2। अब यहाँ इस वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, अब यहाँ नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, लो से हाई पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस लिखे। कितना बढ़ेगा? तो 8 माइनस Q चार्ज है डिवाइडेड बाय 4, और कहाँ पहुँच गया फिर? A पे। तो यहाँ VA लिखे तो VA और VA कैंसिल हो गया। ये तो सिंपल सर्किट था, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन 3-4 कैपेसिटर बैटरी सब लगे होते तो हमें घूम के ही करना होता, और ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज, इट इज़ क्यू बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 8 माइनस क्यू बाय 4, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्यू का जो वैल्यू है वो 8 बाई 3 माइक्रो कूलम्स आ गया। अब Q का वैल्यू अगर 8 बाई 3 माइक्रो कूलम्स आ गया तो एक फ्रेश डायग्राम बना लीजिए जिस पे आप फाइनल चार्जेस को शो करिए। तो फाइनल चार्जेस शो करेंगे तो Q का वैल्यू तो 8 बाई 3 है, तो प्लस 8 बाई 3 माइक्रो कूलम्स मैंने नहीं लिख रहा हूँ, ये समझना है सबको। अगर ये 8 बाई 3 है तो 8 माइनस 8 बाई 3 इट इज 16 बाई 3 आ जाएगा, तो प्लस 16 बाई 3 माइनस 16 बाई 3। अब ये फाइनल चार्ज है आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर हम यू फाइनल लिखें तो यू फाइनल का वैल्यू दोनों पे एनर्जी स्टोर्ड लिखना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ क्यू स्क्वायर, तो 8 बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरड, तो 2 प्लस हाफ इंटू 16 बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से हम लोग 1 बाय 4 कॉमन ही ले लेते हैं या 1 बाय 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय 8 कॉमन ले लेंगे तो इट इज 64 डिवाइडेड बाय 9 प्लस और मल्टीप्लाइड बाय 2 भी, तो 128 आ जाएगा, तो 128 एंड दिस इज 256 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व किए तो फाइनली वी गेट यू फाइनल का जो वैल्यू है इट इज 1 बाय 8 टाइम्स इंटू 128 256, तो इट इज 4 384 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको अगर हम इससे इसको कैंसिल करें तो इट इज 4 एंड 8 बाय 9, इट इज माइक्रो जूल्स, इट इज यू फाइनल। तो ये यू फाइनल मिल गया, दिस इज यू इनिशियल, यहाँ यू इनिशियल था, दिस वॉज यू इनिशियल। यहाँ कोई बैटरी है क्या? तो
तो बैटरी तो नहीं है, तो बैटरी नहीं है तो बैटरी का वर्क डन हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इक्वेशन में तो जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। जो बैटरी ने वर्क किया था उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर में स्टोर हुआ था और कुछ हीट में डिसिपेट हो गया था। यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी है जीरो, तो वर्क डन बाय द बैटरी जीरो लिख लिए। डेल्टा यू का वैल्यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और प्लस डेल्टा एच, पता नहीं नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कंसेप्चुअली मिस्टेक है, आना तो नहीं चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू यू फाइनल का वैल्यू अगर हम लिखे तो 48/9 माइनस यू इनिशियल का वैल्यू इट इज 16 और प्लस ऑफ डेल्टा एच, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू यू विल गेट, तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, 16 इज मोर देन 48/9। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, या आप अभी ट्राई कर लेंगे लेक्चर देखते वक्त ही, इसी क्वेश्चन में चेंज क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वही दोनों कैपेसिटर्स, वही पुराना स्विच, पुराना कैपेसिटर, ये चार्ज था मान लेते हैं 8 माइक्रो कूलम्ब से, और यहाँ -8 माइक्रो कूलम्ब, स्विच ओपन है, और ये भी मान लेते हैं चलो 2 माइक्रो फैरड का ही ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन, आप डाटा बदल भी सकते हैं, दिस इज 2 माइक्रो फैरड ओनली, ये भी चार्ज्ड है और यहाँ +16 माइक्रो कूलम्ब और -16 माइक्रो कूलम्ब, और अब स्विच को क्लोज किए, इसमें अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड क्या होगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। और ट्विस्ट करना है क्वेश्चन को तो आप क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी में चेंज कर लें कैसे, तो दिस इज 2, दिस इज द स्विच, दिस इज द बैट, दिस इज द स्विच एंड कैपेसिटर, दिस इज 2 माइक्रो फैरड, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रो फैरड। डाटा आसान किया है मैंने, जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आप ऐसा कंजूसी नहीं करेंगे, आपको यहाँ 4 माइक्रो फैरड या कोई और कैपेसिटेंस ले सकते हैं, C2C ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लेट अस से कि +8 माइक्रो कूलम्ब था, यहाँ -8 माइक्रो कूलम्ब था, अब यहाँ उल्टा कर दे रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे -16 माइक्रो कूलम्ब है और ये +16 माइक्रो कूलम्ब है। अब स्विच क्लोज करेंगे तो कितना हीट डिसिपेट होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इसको ट्राई करिएगा। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।